नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ यमुनानगर के पानसरा कॉलोनी के अंदर और ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिनकी इन्होंने आरोप लगाया है इन्हीं के दामाद और इन्हीं की बेटी ने इन्हीं की धोती को बेच दिया। अभी उसकी उम्र, जैसा कि ये बता रहे हैं, स्कूल में से निकलवा कर आए हैं, उसकी उम्र अभी 17 वर्ष भी नहीं हुई है, मतलब कि नाबालिग लड़की को उन्होंने बेच दिया। ये आरोप लगाया है लड़की के नाना जी ने। लड़की का नाम है श्वेता। तो आइए जानते हैं चरणदास जी से क्या बात हुई थी, क्या कहानी हुई थी। मेरे को ऐसे हो जी बहू जी, मैं यहाँ से बाल कटवाने गया ताजिकपुर में, ठीक है। बाल कटवाने गया वहाँ पे तो मैंने अपनी बड़ी दोती बुलाई, ठीक है। बड़ी दोती बुलाया का उस पते फोन नंबर लिया। अच्छा, फोन नंबर लेके सर मैंने यहाँ लिया, ठीक है। तो उसकी माँ भी वही थी, मेरी लड़की लक्ष्मी। तो जी मैंने फिर उसके पास, श्वेता के पास फोन किया, तू ठीक ठाक भी है या नहीं है। अच्छा। तू सुनी जाती बीमार थी। वो लगी कहन के नाना तू मेरे को यहाँ से ले जा सकता है और किसी में दम नहीं है, मैं इतनी दुखी हूँ। मतलब कि लड़की ने आरोप लगाया, जैसा इनके नाना जी कह रहे हैं, लड़की ने आरोप लगाया है कि मैं वहाँ पर फंस चुकी हूँ और मुझे निकाल कर यहाँ ले जाइए। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं जी वहाँ सवेरे, मेरे को मुँह से निकल गया कि मैं सवेरे 9 बजे आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 9 बजे वहाँ पे पहुँचा। कौन सा गाँव था वो? गुमथड़ा। गुमथड़ा में गए? हाँ जी, ठीक है। 9 बजे वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने लड़की इधर उधर कर दी। अच्छा। इधर उधर करने के बाद, ठीक है, तो मेरे को पहले लगे कहन वो सी पात्री जहरिया देवी के पास। अच्छा। उसके बाद लगे कहन के करनास वो जेरा गांव है, वो महाजहरी है। आपको कहाँ से पता चला है कि लड़की को बेच दिया गया है और वो किस कास्ट में इसकी शादी हुई? आपकी कास्ट में हुई है, अदर कास्ट में हुई है? अगर कास्ट में होगी गुजरा के साथ। आपकी कौन सी जाति है जी? मेरी हरिजन जाति है जी। अच्छा, और आपको कैसे पता चला कि लड़की की उम्र अभी 17 वर्ष है? मन्ने जी ऐसे पता लगा, स्कूल से सर्टिफिकेट लेने गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तेरे को मुहर लगा के तो हम देंगे नहीं, बाकी प्रूफ हम दे सकते हैं। प्रूफ में क्या उम्र बताई है? जैसा कि ये कागज ये स्कूल से लिखवा कर लाए हैं मैडम से, कागज दिखा देना चाहता हूँ। मोहर नहीं लगाई, बाकी बच्ची के डेट ऑफ बर्थ, जो लड़की ये कह रहे हैं कि इन्हीं की लड़की और इनके दामाद दी है, उम्र लिखी हुई 21/3/2 17 वर्ष हुए हैं लड़की को, अभी नाबालिग है और उससे पहले लड़की का शादी करा दी गई, ऐसा शादी कराई है, बेच दिया, ऐसा आरोप इनके नाना जी का है। तो आइए जानते हैं उसके बाद आपने क्या किया। मैंने वहाँ से ये किया सर कि मैं गया। अच्छा। और मेरे को मिलने नहीं दिया, मैं वहाँ से वापस आ गया, ठीक है। वापस आने में तो जी यहाँ आया मैं, ठीक है। तो यहाँ मेरी लड़की ने मेरे साथ जंग जीता, लड़ाई करी। हाँ, यहाँ पर मौके पर कोई मौजूद था? हाँ, मौजूद था ये लड़की। मौजूद इधर बुलाइए जरा, कौन मौजूद थे? ये आपके ये किराएदार है मेरे, समझ ले। वो जो इनकी लड़की आई थी उन्होंने क्या आ गया ये थोड़ा वो आई थी भैया, मतलब बात करी, फिर वो गाली देने लगी अपने डैडी के। अच्छा, किस बात के लिए गाली देने लगी? भाई तू क्यों गया वहाँ? तेरा वहाँ कहा था क्या, गया था तू? अच्छा, तो आपने उस लड़की को कभी शादी के जोड़े में देखा है जिसकी ये बात बता रहे हैं? सिंदूर लगा के आई थी। सिंदूर लगा करके आई थी। जैसा कि ये देखिए, आरोप बिल्कुल सामने है। वो कह रही थी कि मैं अपनी लड़की कहीं भी दे दूँ, तेरे से क्या है, मैं कहीं भी दे दूँ, कहीं भी बेच दूँ, तेरे से क्या मतलब इसकी? मतलब कि देखिए, सरेआम इनकी, चरणदास जी ने आरोप लगाया है। सरेआम यमुनानगर की सबसे बड़ी खबर है इस समय। इतना बेअंत यहाँ पर माहौल हो चुका है। अरे सारे मोहल्ले जान रहे हैं कि एक बुजुर्ग अपनी धोती को छुड़वाने के लिए, अपनी धोती को वहां से बचाने के लिए थानों के चक्कर काट के आ चुके हैं। आज एसएसपी ऑफिस यमुनानगर में भी पेश हो चुके हैं कि हमारी लड़की को, हमारी धोती को बेच दिया गया है इन्हीं की लड़की ने और इनके दामाद ने। उसके बाद आपने कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई? कंप्लेंट जी आज मैंने लिखवाई है एसपी साहब के पास, उससे पहले एसएस विंडो के पास। अच्छा, सीएम विंडो पे? हाँ, सीएम विंडो पे। उससे पहले मैंने लखवाई थी महिला थाने में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को मैडम ने ये बोला कि उस लड़की की तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा, 10 आदमी यहाँ, मतलब कि पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया है कि वो मांग में सिंदूर भर के आई है, पर पुलिस वालों ने, बल्कि यहाँ के किराएदारों तक ने बता दिया है कि लड़की की शादी करा दी गई है।
इनका आरोप है कि वो बेच दी गई है, पर लेकिन नाबालिग लड़की की शादी कराना भी बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसके बाद बताइए क्या बोला उन्होंने। उन्होंने जी जाके, एक मेरा यार था मेरे साथ लड़के गई, अच्छा। तो वहाँ जाके फैक्ट्री में, अच्छा, उबराए फैक्ट्री में अगले दिन, अच्छा, तो 500 बंदा इकट्ठा कर दिया, गाली दी जी पूरी, अच्छा, पूरी गाली दी उसने, हाथ जोड़ के पेंडा छुटवाया। ठीक है सर। तो फिर मेरे को खुंदक आई, तो मैं फिर महिला थाने में गया, वहां पे दरखास्त दी। उसके बाद सर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। पुलिस वालों ने क्या बोला है कि शादी नहीं हुई अभी तक? हाँ, पुलिस, मैंने, उसने बोला मैडम ने कि अभी इसकी शादी नहीं हुई। मतलब कि जो किराएदार है, आस पड़ोसी है, सबने देख लिया कि मांग में सिंदूर डालकर आई, तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो देखिए बहुत चौंकाने वाला मामला है। पुलिस प्रशासन आरोपियों का साथ दे रही है, जैसा इन्होंने बताया है कि लड़की को बेच दिया गया है, अभी नाबालिग लड़की है, स्कूल में भी उसका रिकॉर्ड है कि अभी वो 17 वर्ष की लड़की है, नाबालिग लड़की की को बेच दिया है या शादी हुई है, ये तो यही जानते हैं जैसा कि ये सब बता रहे हैं। तो मैं प्रशासन से एक ही अपील करना चाहूँगा, जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है आपके साथ? उसके बाद जी ऐसा हुआ कि वो यहाँ से लड़के गई, तो फिर मेरे को उसका जेठ मिला। ऐसा क्या हो गया, आपकी लड़की और आपके दामाद को शादी करनी पड़ी या उसको, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, बेच दिया? मेरे को देखो इस बात का पता नहीं जी, मैं तो वहां से निकाल दिया था उन्होंने, अच्छा। मैं वहां से निकाला गया, ठीक है। मेरे से बाद उसकी मतलब शादी कर दी, फिर उस लड़की पते मेरे जुम्मे ही रोप लगा दिया। अच्छा, क्या आरोप लगाया आपने? मेरे जुम्मा ये आरोप लगाया कि इसके साथ छेड़छाड़ी करता है, मैडम, अच्छा। ने मेरे को ये बात कही, मतलब कि ये आरोप लगा दिया है पुलिस प्रशासन ने। एक तो नाबालिग की शादी करा दी गई, ठीक है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ये कहता है कि उसके खुद के नाना जी लड़की को छेड़ते हैं। तो उसके बाद आपकी क्या बात हुई है, क्या आपको आश्वासन दिया उन्होंने जी? बस फिर मेरे को, मैं तो वहां से उठ के चले आया, मन ने परना मैडम के 12वां महल के मारा। अच्छा भाई, मैं सियाणा आदमी हूँ और मैं ऐसे मेरे की मेरी अगर मेरे अंदर पूछा है तो बता दो। अच्छा, बस ये बात हो। तो देखिए जैसे कि ये यमुनानगर के अंदर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, एक नाबालिग लड़की की शादी कर दी गई है, उनके नाना जी का आरोप है कि उनकी दोती का फोन, कौन सी तारीख में आया था आपके पास फोन? उसका फोन आया था जी कोई मेरे हिसाब से पिछले महीने की 10-11 तारीख, पिछले महीने 10-11 तारीख को आया। तो उन्होंने क्या बोला, आपकी दोती ने आपसे क्या बात कही कि क्या करना है? उसने मेरे को ये कहा है कि मेरे को यहाँ से नाना जी ले जो और मैं यहाँ बड़ी दूर। ठीक है जी, मतलब कि लड़की ने, आपकी दोती ने ये बोला है? हाँ भाई, नाना जी मेरे को यहाँ से ले जो और कोई बंदा मेरा बाप नहीं ले सकता ना मेरी माँ ले। तो जब आप वहाँ पर गए तो आपको कोई वहाँ पर मौजूद मिला जिस गांव में बताया गया था कि शादी हुई है? वहाँ पे जी मैंने सारे चमार छान मारे, वहाँ पे किसी के घर नहीं मिली। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे को एक पानसरे की लड़की मिली, ठीक है जी। वो पानसरे की जो लड़की मिली, उसने बेचारी ने उसको, ये जो मेरे साथ पानसरे का बंदा था, अच्छा, तो उसने बोला कि चाचा तू कहाँ है? ठीक है, वो लगा कहन में, तो बेटे ऐसे है, ये लड़की का नाना है और लॉकडाउन में वो यहाँ बेही आई है, ठीक है जी। तो वो हंसन लग गई, तो कहन लगी वो चुमारा के घर नहीं है, वो तो गुजना के घर है। अच्छा, बस फिर हम सर वापस चले आए। तो उसके बाद से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस प्रशासन ने? भाई बाबूजी कोई कार्रवाई नहीं करी और मेरे ऊपर रोब लगाया गया। देखिए जैसा ये बुजुर्ग बता रहे हैं, इन्होंने ही कंप्लेंट लिखवाई है कि नाबालिग लड़की की शादी कर दी है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने बेच दिया है पैसों के लालच में इन्हीं की लड़की और इन्हीं के दामाद ने। तो ये बहुत बड़ी चौंका देने वाला मामला यमुनानगर के अंदर सामने आया है। जैसा आपने इस बुजुर्ग की अभी आवाज़ सुनी, बहुत ही सियाने बुजुर्ग लोग हैं और ये अभी भी इंसाफ मांग रहे हैं कि इनकी धोती को वहाँ से न्याय मिले, उसको वहाँ से छुड़ा कर लाया जाए, वहाँ से परेशान है। आज से कुछ समय पहले इनकी धोती का इनके पास फ़ोन आया था और उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ से ले जाइए, ये मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मेरा यहाँ जीना हराम है। बाकी देखिए प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें नाकामयाबी है कि प्रशासन क्या कर रहा है। और पूछते हैं उसके बाद, आज आप कहां पर गए थे? आज जी मैं गया था SI विंडो के पास, CM विंडो में, CM विंडो पे, ठीक है। दिखाई दरखास्त, ये देखो जी, और एक SP पे पास, ठीक
ठीक है, ये देखिए सीएम विंडो पे भी इन्होंने दरखास्त लिखवाई हुई है कि नाबालिग मेरी धोती है, वो परेशान है, उसका फोन आया था और उसको पैसों के लालच में इन्हीं की लड़की, ये कलयुग का दौर आ चुका है, इन्हीं की लड़की और इन्हीं की दामाद ने इनकी धोती को बेच दिया और उनके नाना जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी धोती को बचाने के लिए। ये घोर कलयुग आ चुका है। और इसके बाद दिखाते हैं एक बार एसपी को, जो आज कंप्लेंट दी है एसपी साहब को माननीय यमुनानगर में, ये दरखास्त दी है इन्होंने, अपील की है कि मेरी धोती को मुझे उसको वहाँ से जानवरों के चंगुल से छुड़ाया जाए। तो मेरी प्रशासन से एक अपील है कि उस लड़की को न्याय मिले, उस लड़की को सामने किया जाए और उससे पूछा जाए अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो पहली बात तो नाबालिग जो लड़की है उसकी शादी करना गैर कानूनी है। फिर भी अगर उसकी लड़की का नाना जी के पास फ़ोन आता है, उनका इनकी धोती का इनके नाना जी के पास फ़ोन आता है और वो एक ही बात बोलती है कि मुझे इनके चंगुल से छुड़ा लीजिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। बल्कि उस नाबालिग लड़की का रिकॉर्ड स्कूल ने निकाल कर दे दिया है। कौन से स्कूल में गए थे? सरकारी स्कूल पानसरा। सरकारी स्कूल पानसरा। सरकारी स्कूल पानसरा से? हाँ जी। कौन सी मैडम से मिले थे आप? उससे जी, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से मिले थे? हाँ। तो आपने उनसे क्या कहा था कि मैंने उनको ये कहा जी, वो इन बालक लड़की है उसकी शादी कर दी, मेरे को वो सर्टिफिकेट दिया जाए। अच्छा, तो वो लगे कहन भाई तेरे को मुहर लगा के हम नहीं दे सकते, ठीक है, बाकी तेरे को प्रूफ दे सकते हैं। अगर जैसा कि आरोप लगा रहे हैं नाबालिग लड़की की शादी करी है, बेचा है इनकी धोती को, अगर पुलिस प्रशासन ये भी देखना चाहता है कि उसकी उम्र 17 साल से ऊपर है या कम है, जैसा कि ये स्कूल से लिखवा कर लाए हैं, लड़की की अभी उम्र है 21/3/2003, श्वेता डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह श्वेता के पिताजी हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरी धोती को बेचा गया है। बाकी सच तो यही जानते हैं कि क्या है।